सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट रीजन। तो कैसे हमारे यूजीए 2024 बिहार इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट, आज जो है आप सभी यूजीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरा खबर निकल के आया है और ये कहिए कि बहुत ही दुखद चीज है जो बिहार में हो रहा है, जो कि हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप लोग सभी को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है मैं आप लोग को सभी को बता दूं, यूजीए 2024 सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट, यानी कि वैसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड राउंड में एडमिशन लिया था बिहार के 38 में से किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनका अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, यानी कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है। अब नए सिरे से आपका अलॉटमेंट आएगा और रिवाइज अलॉटमेंट के बेसिस पे आपका फिर से एडमिशन होगा। तो ये जो है बहुत ही कहिए कि एक गलत चीज हुआ है स्टूडेंट के साथ, इससे स्टूडेंट को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। तो मैं आपको डिटेल से एक ही चीज बताऊंगा कि कैसे आपको सेकंड अलॉटमेंट देखना है, और लिस्ट भी आ चुका है बाबू कि किस किस स्टूडेंट का चेंज हुआ है, और ये अभी तक कोई आपको नहीं दिखाया होगा यूट्यूब पे, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऑफिशियल लिस्ट आ चुका है कि किस किस स्टूडेंट का अलॉटमेंट चेंज होने वाला है, कॉलेज चेंज होने वाला है या फिर ब्रांच चेंज होने वाला, ये भी मैं आप लोग सभी को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं कि आपको कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था सेकंड राउंड में, और साथ ही साथ कौन सा ब्रांच आपको अलॉट हुआ था जिसमें आपने एडमिशन लिया। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजें को कवर करेंगे, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी तो आपको आगे चल के काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे कि एक नोटिस आया है, शेड्यूल्ड फॉर रिवाइज सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ यूजीए 2024 ऑन द बेसिस ऑफ जेईई, यानी कि आपका जेईई मेंस के बेसिस पे यूजीए में जो सेकंड राउंड एडमिशन हुआ, जो कि अलॉटमेंट आपका कब आया था, हुआ जो अलॉटमेंट आपका आया था 9 अगस्त, 9 अगस्त को अलॉटमेंट आया था, आप सभी बच्चों ने 15 अगस्त से पहले एडमिशन लिया था, उस पूरे एडमिशन प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया। सिंपल से शब्दों में आप समझिए, उस पूरे अलॉटमेंट प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया, यानी कि आपने जिस भी कॉलेज में, चाहे आप अपग्रेड करने वाले बच्चे हो कि आपने अपग्रेड करके एडमिशन लिया था, चाहे आप जनरल बच्चे हो जिनको सेकंड राउंड में ही मिला था, सभी का अलॉटमेंट कैंसिल हो चुका है। अब बात आती है सर आगे की प्रक्रिया क्या होगी, और हम लोगों ने एडमिशन ले लिया है, ठीक है एडमिशन ले लिया तो आगे अब हम लोग क्या करें। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अब आपका बाबू फिर से सीट अलॉटमेंट आएगा, फिर से जो है सीट अलॉटमेंट आएगा, और वो जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो कब आने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आप लोग डेट जो है इंपॉर्टेंट डेट्स को आप लोग दिमाग में रख लीजिए, ठीक है कल है आपका 2 सितंबर और कल आपका रिवाइज सेकंड अलॉटमेंट लेटर आएगा, यानी कि अलॉटमेंट लेटर आपका फिर से आने जा रहा है, और सेम प्रक्रिया जैसे आपने अलॉटमेंट लेटर देखा था अपना अकाउंट लॉगिन करके वेबसाइट पे, वैसे फिर से आप लोग अलॉटमेंट लेटर देखेंगे, और अलॉटमेंट लेटर देखने के बाद जो भी संस्थान या जो भी कोर्स आपको अलॉट होगा उसमें जाके आपको एडमिशन लेना है, कितना तारीख को, 3 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच। मैं जान रहा हूँ काफी ज्यादा सवाल आपके मन में उमड़ रहा है, सबसे पहले मैं एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि सर सबका अलॉटमेंट कैंसिल हो गया है। जी हाँ, सबका अलॉटमेंट कैंसिल हो गया है, लेकिन जो है चेंज जो हुआ है इंस्टीट्यूशन, संस्थान चेंज हुआ है या फिर कोर्स चेंज हुआ है, वो सभी का नहीं हुआ। टोटल मिला के 809 स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, टोटल मिला के 809 स्टूडेंट का संस्थान और ब्रांच चेंज हुआ, 809 स्टूडेंट का, यानी उन 809 स्टूडेंट का कॉलेज और ब्रांच जो है कल जो अलॉटमेंट आएगा उसमें चेंज हो जाएगा। वो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, मैं इसे जो है अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर एस्पेक्ट रीजन सर्च कीजिए और वहां से आप लोग ये लिस्ट को डाउनलोड करके आप आज ही चेक कर सकते हो कि क्या आपका जो है कॉलेज जो है बाबू चेंज हुआ है या नहीं हुआ। इसमें टोटल स्टूडेंट का बाबू यहाँ पे मोबाइल नंबर, यूजीए का आईडी, नाम के साथ साथ प्रीवियस जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था वो इंस्टीट्यूट, और साथ ही साथ नया जो इंस्टीट्यूट मिला है वो आज ही पता चल जाएगा आपको, यानी कि कल का इंतजार करने की जरूरत आपको नहीं, ये लिस्ट में आपको आज ही प्रोवाइड कर देगा, और जो स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में है दैट मींस आप तैयार रहे आपका कॉलेज और ब्रांच चेंज होने वाला है, और जो स्टूडेंट का लिस्ट में नाम नहीं है उनका सेम एज इट इज अलॉटमेंट आएगा जो उन्हें पहले मिला। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अलॉटमेंट फिर से वही आएगा, ये मैटर नहीं करता। अब दिक्कत सबसे पहले मैं इन 809 स्टूडेंट्स की बात करूं तो आप खुद समझ सकते हैं कितना ज्यादा दिक्कतों का
इन्हें सामना करना पड़ेगा। ये सरकार को समझना चाहिए, बिहार सरकार को समझना चाहिए, ये बीसीसी बोर्ड को समझना चाहिए। अब मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को बीसी बख्तियारपुर मिला है और अब उन्हें दे दिया गया जीसी नवादा सपोज है, या फिर बीसी भागलपुर। आप डिस्टेंस देख रहे हो 150, 200, 250 किलोमीटर दूर उनका इंस्टीट्यूशन। अब आप ये खुद समझ सकते हो बाबू कि आपने अगर एडमिशन ले लिया है, आपका सेकेंड राउंड अलॉटमेंट फिर से अगर आएगा तो आपको फिर से जाना पड़ेगा नए कॉलेज पहले, लेकिन उससे पहले पुराना कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट निकलवाना पड़ेगा। कितना परेशानी एक स्टूडेंट को झेलना पाएगा ये मैं समझ पा रहा हूँ। ये मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को आने वाले दिनों में, कल से परसों तक में, इन 800 स्टूडेंट को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इस चीज का मैं घोर निंदा करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट है वो भी एक तय सीमा होता है, तब ना आपका एडमिशन अगस्त में हुआ था, वो भी 9-10 अगस्त को, और आज जो है 1 सितंबर है, 20 दिन बाद याद आता है कि अलॉटमेंट में कुछ तकनीकी गड़बड़ी है जिसकी वजह से पूरा अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाता है। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का नियम है, मैं पूछना चाहता हूँ बीसीसी बोर्ड से, ये कहाँ का नियम है, इतने दिन बाद जो है अलॉटमेंट को कैंसिल किया जाता है और बच्चे को इतना ज्यादा परेशानी। और ये हुआ क्यों, सबसे पहले बात ये हुआ तकनीकी रीजन हुआ था, मैं सिंपली बात बताता हूँ आपको कि किसी स्टूडेंट का, आप लोग में से कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका अच्छा रैंक था लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं मिला, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो है काफी ज्यादा रैंक था स्टिल कॉलेज मिल गया। हमारे ही कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिनका जो है बाबू काफी अच्छा रैंक था लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं मिला, ये टेक्निकल त्रुटि की वजह से, ठीक है। तो यही त्रुटि को सुधारा गया है और उन सभी स्टूडेंट को जिनको कॉलेज नहीं मिला उनको भी दिया गया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे हुआ जिनके उम्मीदों में पानी फिरने जा रहा है, यानी कि आपने अगर एडमिशन कहीं ले लिया था, इससे अगर कल नाम नहीं आया आपका एडमिशन, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। और मुझे पर्सनली उस स्टूडेंट के लिए बहुत बुरा लग रहा है और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा आप लोग इस लिस्ट में ना हो, ठीक है। और ये लिस्ट आप लोग डाउनलोड करके अभी चेक कर लीजिए कि क्या क्या चीज इसमें दिया गया है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि सर मान लेते हैं कि हमारा कॉलेज चेंज हो गया तो उसके बाद क्या प्रक्रिया करना है, ये चीज आपको समझना जरूरी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, देखिए एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पॉइंट को आप लोग सभी लोग पढ़ लीजिए कि वैसे अभ्यर्थी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग द्वारा किसी भी संस्थान में नामांकित है, यानी कि आप सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि अगर आपने सेकंड राउंड अलॉटमेंट में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया था तो आपको दो केस होगा, या तो आपको वही सेम कॉलेज वही ब्रांच अलॉट हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा इस डेट में 3 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में आपको जाना है, फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर से एडमिशन प्रक्रिया होगी और आपको फीस उस नहीं लगेगा। लेकिन परेशानी तो है मेरे भाई, आप परेशान तो होंगे ना, कितने पेरेंट्स जाते हैं एडमिशन कराने के लिए अपने बच्चों को लेके, वो परेशानी तो आपको उठाना पड़ेगा ना। और ये चीज मैं नहीं चाहता ईश्वर के साथ जो ये चीजें हो रही है। दूसरा कंडीशन ये होगा कि आपका कॉलेज और ब्रांच चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप लिस्ट में देख पा रहे होंगे टोटल 809 स्टूडेंट का लिस्ट में नाम है जिनका कॉलेज चेंज होने जा रहा है। अब मान लेते हैं बाबू आपका कॉलेज या ब्रांच चेंज होता है तो इससे कितनी ज्यादा समस्या है ये आप अच्छे से समझ सकते हो। आपको तब क्या करना है, तब आपको जो पुराना इंस्टीट्यूट जिसमें आपका एडमिशन हुआ था सेकेंड राउंड, आपको वहां पे जाना है, वहां से डॉक्यूमेंट निकलवाना है और वहां से डॉक्यूमेंट निकलवा के फिर आपको नए वाले इंस्टीट्यूट में जाना है विद इन द टाइम फ्रेम 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में, और उसके बाद फिर से आपको एडमिशन करना है, जो कि बहुत गलत हुआ है हमारे बिहार के स्टूडेंट के साथ। और इसीलिए एक तरफ मैं ये कहता हूँ कि हम लोग बिहार की शिक्षा को एक उच्च लेवल पे ले जा रहे हैं, हम लोग बिहार की शिक्षा को एक रूप देने का कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे तरफ ये सरकार की नाकामी ये दिखाती है कि बिहार से जो है कहीं की शिक्षा व्यवस्था सुधरने में अभी भी समय लगेगा। ये काफी गलत हुआ है सभी यूजीए के स्टूडेंट के साथ, और मैं एस्पेक्ट विजन की पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी है एक एक कदम पे। मैं ये आश्वासन देता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को कि मैं आपके हर एक मोड़ पे खड़ा हूँ। मैं पहले भी बोला था कि हमारा जो नाता है बाबू वो सिर्फ काउंसलिंग तक नहीं है, हमारा नाता सिर्फ और सिर्फ एडमिशन तक नहीं है, जब तक आप बीटेक कंप्लीट करके नहीं निकल जाते तब तक मैं आपके लिए खड़ा नजर आऊंगा, और आज मैं आपके लिए खड़ा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट वो 809 स्टूडेंट है, मैं तहे दिल से ये दुआ करूंगा कि आप लोग इजिली जो है आप लोग जाए कॉलेज में जाके एडमिशन ले ले, ठीक। आप लोग सबको मैसेज भी आया होगा, अजय स्टूडेंट का चेंज नहीं हुआ है, परेशानी तुमको भी, ऐसा नहीं तुमको कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो उनको भी है ही बाबू, ठीक है, परेशानी तो उनको है ही, ठीक है। तो
तो कुल मिला के बात यही है बाबू कि आपका सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट जो है वो कैंसल हो चुका है और आपका नया सीट अलॉटमेंट कल आपको देखने मिलेगा बीसीसी बोर्ड के वेबसाइट पे। यानी कि फिर से अलॉटमेंट आएगा, फिर से आप चेक कीजिएगा और अगर कॉलेज चेंज हो गया है फिर नए जगह जाना है। अब एक सवाल ये भी उठेगा सर, फी पैसा हमने सबमिट किया था, अब हमको नया संस्थान मिलेगा तो क्या? देखो आपको कॉलेज एक लेटर देगा कि आपका फी इस कॉलेज में डिपॉजिटेड है, जिसके बेसिस पे आपको फिर नए वाले संस्थान में दोबारा फी नहीं लगेगा, दोबारा फी नहीं लगेगा, लेकिन आपको एडमिशन प्रक्रिया करना ही पड़ेगा। अब आप ही सोचो बाबू, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, इस वीडियो को सब जगह शेयर करना। रीजन क्या है मैं ही बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट तो एडमिशन लेके अपना आश्वस्त बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके सर पे कैसा संकट आ चुका है। अब उनको मान लेते हैं अगर नहीं पता चला 6 तारीख से पहले और उनका एडमिशन छूट गया तो समझ लो उस स्टूडेंट पे क्या बीतेगा कि मैंने एडमिशन ले लिया था और एडमिशन लेने के बाद ऐसी परिस्थिति आई, ऐसा दिक्कत हुआ कि हमारा सीट अलॉटमेंट ही कैंसिल हो गया, दोबारा हमें पता नहीं चल पाया और हम लोग एडमिशन नहीं ले पाए, तो ये कहिए बहुत गलत चीज होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अगर आपके किसी भी मित्र बंधु ने एडमिशन लिया है और उन्हें पता नहीं है ये चीज, तो उन्हें जरूर जरूर इंफॉर्मेशन दे दे क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि क्या ये स्टूडेंट के साथ सही हो रहा है, क्या ये स्टूडेंट के साथ सही हो रहा है, क्या ये स्टूडेंट के साथ सही हुआ है। मेरे हिसाब से बाबू नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है। कहते हैं परिस्थिति कैसे भी आए, ठीक है, आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गए, परिस्थिति कैसे भी आए आपको झुकना नहीं, कोई बात नहीं, आने तो फिर से अलॉटमेंट आया है, ठीक है, फिर से अलॉटमेंट आएगा, हम देखेंगे, हम फिर से जाके एडमिशन लेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। और आपको थोड़ा सा परेशानी तो होगी, खासकर जो गरीब बच्चे हैं, एक बार जाने में कॉलेज जाने आने में एडमिशन प्रोसेस में 3-4 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है, वो पैसा फिर से खर्च करना मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास बच्चों के लिए, गरीब बच्चा के लिए, वो चीज हम लोग समझते हैं, वो चीज हम लोग फील करते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं समझेगी, ये सरकार बाबू नहीं समझेगी, बट खैर कोई बात नहीं, ठीक है। हर चीज में हमें पॉजिटिव चीजें निकाल के देखनी चाहिए, हम लोग इससे पॉजिटिव चीज निकाल के देखेंगे कि उन बच्चों का भला हो जाएगा जिन्हें किसी कारणवश तकनीकी रीजन की वजह से नहीं सीट मिला था, हो सकता है उन्हें सीट मिल जाए सेकंड राउंड में रिवाइज में, तो और अच्छी चीज है, तो मैं उनके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन दिक्कत तो है बाबू, दिक्कत तो है। तो उम्मीद करते हैं आप सारा चीज समझ गए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं छोटा सा कंक्लूजन दे देता हूँ कि फिर से आपका अलॉटमेंट आएगा, आप लोग ये लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड अभी हो जाएगा, आप लोग ये लिस्ट देख लीजिए, अगर आपका इस लिस्ट में बाबू नाम है दैट मींस कि आपका संस्थान जो है चेंज हो रहा है, आपका यहाँ पुराना संस्थान में दिया गया है नया संस्थान में दिया गया, और अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो वही कॉलेज आपको मिलेगा, लेकिन स्टिल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना ही जाना है, ठीक है। और अलॉटमेंट कब आएगा, अलॉटमेंट आपका बाबू कल आएगा, अलॉटमेंट आपका कल आएगा, और कल जैसे अलॉटमेंट आएगा मैं लाइव आऊंगा, आप लोग को लाइव आना है, हम लोग चर्चा करेंगे फिर से कि किस किस स्टूडेंट का कॉलेज जो है बाबू चेंज हो गया या किस किस स्टूडेंट का कॉलेज चेंज नहीं हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया हूँ और आपका डाउट क्लियर कर पाया। ये वीडियो अच्छा लगा जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।